दोस्तों इंडिया में मुस्लिम क्रिकेटर की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर हमें आईपीएल 2023 में देखने को मिल रहा है, जिसमें नए मुस्लिम खिलाड़ी हर टीम में शामिल हैं। आइए इस वीडियो में हम उन प्लेयर्स की डिटेल जानते हैं और साथ ही ये भी कि इस साल वो कितने में बिके हुए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। तो दिल्ली में इंडियन मुस्लिम प्लेयर्स की संख्या 3 है, जिनमें से पहले का नाम सरफराज खान है, जो कि एक बैट्समैन है। इनका जन्म अक्टूबर 1997 में मुंबई में हुआ था और इनको दिल्ली की तरफ से इस बार खेलने के लिए 20 लाख रुपए मिले हुए हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं खलील अहमद, जो कि एक बॉलर हैं और ये पहले इंडिया टीम के लिए भी खेल चुके हैं। खलील अहमद का जन्म 5 दिसंबर 1997 में राजस्थान में हुआ था और इनको दिल्ली की तरफ से इस बार खेलने के लिए 5.25 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं अमन खान, जो कि एक ऑलराउंडर हैं और इनका जन्म 23 नवंबर 1996 में महाराष्ट्र में हुआ था और इन्हें दिल्ली की तरफ से इस बार खेलने के लिए 20 लाख रुपए मिले हुए हैं। अब आते हैं लखनऊ की टीम में। तो लखनऊ की टीम में दो मुसलमान इंडियन प्लेयर्स हैं, जिनमें से एक का नाम आवेश खान है। इनका जन्म 13 दिसंबर 1996 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्हें इस साल लखनऊ की तरफ से खेलने के लिए 10 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। और इसी टीम के दूसरे प्लेयर हैं मोहसिन खान, जो कि एक बॉलर है। इनका जन्म 15 जुलाई 1998 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें इस बार लखनऊ की तरफ से खेलने के लिए 20 लाख रुपए मिले हुए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं टीम नंबर 3 पे, सनराइजर्स हैदराबाद। इस टीम में भी इंडिया के दो मुस्लिम प्लेयर्स हैं, जिनमें से एक का नाम अब्दुल समद है। ये एक बैट्समैन है और इनका जन्म 28 अक्टूबर 2001 में हुआ था और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। इसी टीम के दूसरे प्लेयर का नाम उमरान मलिक है, जो कि एक बॉलर है और इनका जन्म 22 नवंबर 1999 में हुआ था और ये भी जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्हें भी हैदराबाद की तरफ से खेलने के लिए इस बार 4 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। अब आते हैं टीम नंबर 4 पे, राजस्थान रॉयल्स। इस टीम में तो इंडियन मुस्लिम एक ही है, जिनका नाम KM आशिफ है और ये एक बॉलर है और इनका जन्म 24 जुलाई 1993 में हुआ था और ये केरला के रहने वाले हैं और इन्हें इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने के लिए 30 लाख रुपए मिले हुए हैं। अब आते हैं बैंगलोर की टीम में। इस टीम में इंडियन मुस्लिम प्लेयर्स की संख्या 2 है, जिनमें से एक का नाम शहबाज अहमद है और ये एक ऑलराउंडर है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1994 में हुआ था और ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्हें इस बार बैंगलोर की तरफ से खेलने के लिए 2.4 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। इस टीम के दूसरे प्लेयर का नाम मोहम्मद शिराज है, जो एक बॉलर है और इनका जन्म 13 मार्च 1994 में तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था और इन्हें इस बार बैंगलोर की तरफ से खेलने के लिए 7 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। अब आते हैं पंजाब की टीम में। पंजाब की टीम में इंडियन मुस्लिम प्लेयर्स की संख्या 2 है, जिनमें से एक प्लेयर शाहरुख खान है, जो कि एक ऑलराउंडर है। इनका जन्म 27 मई 1995 में चेन्नई में हुआ था और इन्हें इस बार पंजाब की तरफ से खेलने के लिए 9 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। और इसी टीम के दूसरे प्लेयर का नाम सिकंदर रजा है, जो कि ये भी ऑलराउंडर है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1986 में सियालकोट पंजाब में हुआ था और इन्हें इस बार पंजाब ने 50 लाख रुपए खेलने के लिए दिया है। अब आते हैं गुजरात की टीम में। गुजरात की टीम में इंडियन मुस्लिम प्लेयर की संख्या 1 है, जिनका नाम मोहम्मद शामी है। मोहम्मद शामी इंडिया टीम के लिए भी खेलते हैं और बहुत से मैच अपने बदौलत जिताया है। इनका जन्म 3 सितंबर 1990 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें इस बार गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने के लिए 6.25 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इन 15 प्लेयर में से आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है, आप कमेंट में बताइए।